अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम थर्वल सॉलिडारिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए एक प्रोग्राम में जो पाकिस्तान जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मुरतब किया गया वहाँ मौजूद हैं। ये 9/11 और ईद सेलिब्रेशंस दोनों के बारे में था। यहाँ पे इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनके एजुकेशन उनके प्रोफेशन से टोटली कंट्रास्ट करती है। वो MSc इंजीनियरिंग है लेकिन वो कॉमेडियन है फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत स्पीच की उसमें तमाम महफिल को उन्होंने हंसा के रख दिया। और इनसे बात इनका नाम है जेफ मिर्ज़ा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे पहले तो अपना बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है और आपका जो प्रोफेशन है जो जिस प्रोफेशन में आप आ गए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो ये क्या कॉमेडियन आपके अंदर मौजूद था या इंजीनियर आपके अंदर मौजूद था? आपको तो मालूम होगा कि हमारे माशरे में तालीम ख़ास तौर पर यू नो माँ बाप जो है वो हमेशा तालीम को वो प्रेफर करते हैं। तालीम तो मेरी वालदा साहब हमेशा कहती है कि यू नो मस्ट स्टडी, यू स्टडी जा जा के पार। सो इसलिए मैंने वो डिग्री की है, मास्टर्स भी किया, इंजीनियरिंग भी किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो जो आप अंदर से जो होता है जो कशिश होती है किस्म की जो ख्वाहिश होती है कि मैं थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा एंटरटेन करूं लोगों को या यू नो दुखी इंसानियत को थोड़ा सा यू नो हंसाऊं, तो ये वजह कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये तो हजूर का भी फरमान है कि किसी एक शख्स के होंठों पे मुस्कुराहट लाना भी सदका जारी है और आपकी वजह से तो आज महफल लोटपोट हो गई। तो आप की जो मज़ा है उसमें भी एक तंज का पहलू था, उसमें भी एक इस्लाह का पहलू था, एक मकसदियत थी। तो आप क्या समझते हैं कि एक मकसदियत को और मजाक को जो आपने इकट्ठा किया वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? बस अल्लाह की तरफ से जो हो सकता है हम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कॉमेडी होती है कॉमेडी में ये होता है कि जो जिस चीज़ को हम फनी समझते हैं या कॉमेडी समझते हैं हम जब हंसते हैं इसकी वजह होती है, वैसे नहीं हम हंसते यू नो। तो अगर आप डायरेक्ट जाकर हिट करें यू नो जो लोगों की जो ख्वाहिश है या जो जैसे लोग सोचते हैं देन यू विल गेट गुड लाफ। हाँ जी, तो ये भी एक किस्म की साइंस है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जैसे कि आज का प्रोग्राम था इसमें पाकिस्तान में जो फ्लड आया उस और जो 9/11 है और ईद है, मतलब ये इतना कुछ इकट्ठा हो गया, इतने हाथ साथ खुशी का मौका। तो आप वो लोग जो फन मजाक से ताल्लुक़ रखते हैं चाहे वो लिखते हैं चाहे वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं चाहे उनका ताल्लुक TV से है, और आप लोग क्या समझते हैं कि वो लोग जो इन सारे हालात से गुजर रहे हैं जो अपने 9/11 के विक्टिम्स की जो फैमिलीज हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं जो फ्लड के से अफेक्टेड लोग हैं वो क्या करें कि वो उनके अंदर वो थोड़ी बहुत हिस्से मजाक बाकी रह जाए, थोड़ा बहुत उनमें हंसने की हिम्मत आ सके, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जाहिर है तो कि वो अभी वो प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान अभी प्रॉब्लम है, जो जहाँ तक मेरा लोग न्यूज़ देते हैं मुझे तो लगता है पूरा पाकिस्तान अभी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फ्लड का भी प्रॉब्लम है, सैलाब का भी प्रॉब्लम है, टेररिज्म वगैरह वगैरह, क्रिकेट का भी प्रॉब्लम है। तो ये जो 3 या 4 जो चीज़ें हैं इसमें मेरे जो रिश्तेदार है पाकिस्तान में वो अक्सर कहते हैं कि यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ मत आओ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो फ़र्ज़ है ख़ास तौर पर इस मुल्क में रहते हुए हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुसलमान अपने पाकिस्तानी ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए, ये हमारा ईमान है। मैं इस मुल्क में मैं खुश नहीं रह सकता अगर मेरा भाई उधर या मेरा मामू और मेरा चाचा और व्हाटएवर माय ब्रदर सिस्टर मदर जो कुछ भी है मेरे मुल्क से कोई ताल्लुक़ रखने वाला या वैसे एक मुस्लिम अगर वो खुश नहीं तो मैं नहीं खुश हो सकता। आई मस्ट मेक हिम हैप्पी। तो यही मेरा मैसेज है, प्लीज़ हम आपके साथ हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम यहाँ काफ़ी चैरिटी फंक्शंस कर रहे हैं तो इनका मकसद तो यही है कि हमारे भाइयों को बहनों को थोड़ा सा हेल्प मिले। एक मैं और पैगाम आपसे लेना चाहूँगी, जो लोग हमारे सुन रहे हैं जो देख रहे हैं शायद वो उसे कुछ हासिल कर सकें। अगर आप किसी बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजिडी से गुजर रहे हो और उसी वक्त आप को स्टेज शो परफॉर्म करना जिसमें आपके बैठे हुए तमाम ऑडियंस को आपने हंसाना हो तो आप उसे मैनेज करने किस तरह मैनेज करेंगे, उस गम पर काबू किस तरह पाएंगे और लोगों को हंसाने के लिए? मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं ठीक है एक किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं
جو جس کے بارے میں آپ کو نہیں بات کرنی چاہیے یا ابھی وقت انگلش میں کہتے ہیں کامیڈی ایکولز ٹریجڈی پلس ٹائم تو ٹائم لگتا ہے تو میں ہر ایک سبجیکٹ پر میں میری خواہش ہے کہ میں لوگوں کو ہنساؤں اور ڈو کامیڈی لیکن مجھے ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے معلوم ہے کہ یہ دس از ناٹ بیڈ ٹیسٹ از بیڈ ٹیسٹ اور از ناٹ فنی ابھی ہمارے ملک میں خاص طور پر جو سیاسی جوکس ہوتے ہیں پولیٹیکل جوکس ویسے تو میں کرتا نہیں ہوں لیکن سیاسی جوکس لوگ پسند کرتے ہیں بٹ اف دا پولیٹیشین از ان دا روم پھر از ناٹ گڈ کیونکہ وہ پرسنل ہو جاتا ہے ہاں جی تو اس لیے بس میں تو کوشش کرتا ہوں جسٹ ٹرائی مائی بیسٹ لوگ میں جو سینسرشپ ہے میں خود سینسر کرتا ہوں اور جو پبلک ہوتی ہے پبلک لائکس اٹس اوکے پبلک ڈزنٹ لائک اٹ ہاں جی اٹس ناٹ اوکے اور جو پبلک ہوتی ہے ہماری جو سینسٹیو پاکستانی لوگ مسلم لوگ ویسے تو سینسٹیو ہوتے ہیں لیکن ذہین بھی ہے پبلک کو معلوم بھی ہے کہ دس از اے جوک دس از جسٹ اے جوک دس از ناٹ سیریس اور میں بس اللہ پر اور آڈینس پر چھوڑ دیتا ہوں اچھا آپ ہمارے جو فلڈ وکٹمز ہیں انہیں ہنسانے کے لیے کوئی چھوٹا سا جوک سنا دیں کس سبجیکٹ پر اسی بھی بارے میں کوئی بتا نہیں پانی کے بارے ہمارے لوگ جو ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں ایشین لوگ اس ملک میں ہمارا کوئی کانشیس نہیں ہے ہمیں کانشیس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ ہمارے کانشیس ہیں جی جب میں چھوٹا تھا میری ممی کہتے ہیں جو اگر ڈاکٹر بننا ہے اگر ڈاکٹر نہیں بنے تو اسی لوگوں کو کی کہیں گے یہ نال دے لوگ سو دے آر آور کانشیس جوک نہیں ہے لیکن ایک سوشل کمنٹری ہے وہ جو ہمسائے ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہمارے کانشیس ہیں بہت شکریہ سمینا ٹی وی 786 نیوز لندن